To support our friends. I'm not part of the calendar, but we just decided to come in. We're just here to support them. We've come here because all our friends are here. Amit is here, Divya is here. Yes. And we were at a different event. So then I'm the lucky guy who got to be with Poonam Pandey, jo tum banna chahte ho. Lekin mujhe mauka mil gaya, toh I came with her. हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता. मोस्ट कंटेस्टेंट्स जो बिग बॉस से निकल जाते हैं वो बोलना शुरू करते हैं कि हम नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे होते हैं. किसी के भी ब्रेकडाउन के बारे में कुछ ज़्यादा तो कहा जा नहीं सकता, बिसाइड्स द फैक्ट दैट दे गेट ओवर इट एंड they get the strength to get over it, because it's not nice to see anybody break down, whether it is on a show, on a football match, on a cricket stadium. It's great that we are now talking about mental health, and it's great that even shows are not cutting and editing it out so that it's reaching people. First of all, आपका सवाल ये है कि शालिन के साथ जो घर वाले कर रहे हैं उस पर क्या लगता है. I think जब कोई भी reality show में हम लोग जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे साथ ये सब होगा. Because I think that's what all of us are prepared for. You gotta be prepared. आप इतने mentally इतने ज़्यादा prepared होके जाते हो, मैं क्योंकि तुम्हारे साथ हुआ है, सबके साथ हुआ. Yeah, big time. So and the cameras around you, and it's a reality show. That's why it's called a reality show. You gotta so there is no सही और गलत. It is just rating आ रही है कि नहीं आ रही. I think मैं अपनी फोटो अमित के साथ देखने के लिए बहुत excited होती हूँ. मुझे अच्छा लगता है अमित के साथ काम करना, एंड ही वर्क्स ऑन अ वेरी डिटेलिंग छोटे छोटे पॉइंट को लेके, सो विच इज़ वेरी अमेजिंग. नो मेकअप लुक है, ही जस्ट सेड दैट कि मुझे सिर्फ प्लेन साड़ी और चोटी चाहिए, एंड द कॉन्सेप्ट वाज आप जानते हो बहुत ही रेट्रोइश है. सो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं उन्होंने, एंड मैं थोड़ा शॉक पे रह गई कि यार पहली बार कोई ना ग्लैमर शूट कर रहा है ना कुछ कर रहा है. सो इट वॉज़ वेरी अमेजिंग फॉर मी. नो मेकअप था, आई डोंट थिंक सो. हम हर जगह डालते हैं, फिल्टर विल्टर डाल देते हैं, विच इज़ वेरी नाइस, बट इट वॉज वेरी मिनिमलिस्टिक. एंड मैंने ऐसे अमित के साथ कभी शूट नहीं किया, सो ही हैज़ दिस डिफरेंट विजन ऑल्सो. मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं हूँ, और मैं एक्चुअली रेट्रो ही हूँ. मैं गलत सदी में पैदा हो गई हूँ, लोग मुझे ऐसा कहते हैं. तो मेरी जो थीम थी वो थी नज़ाकत, और वो मुझे एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंटली करने को मिला, बिकॉज दैट इज़ हु आई एम एज अ पर्सन. और मैं बहुत ही ऐसे थोड़ी शांत सी, पोलाइट सी ऐसी रहती हूँ, तो मैं बहुत कम्फर्टेबल थी वो करने में, और मुझे बहुत मज़ा आया वो करने में. तो बेसिकली मैं अपने शो में भी साड़ी ही पहनती हूँ, और हमने इसमें भी साड़ी रखी थी, और द कलर थीम ऑफ द साड़ी वॉज गोल्ड एंड रेड. तो गोल्ड एंड रेड तो आइकॉनिक है, उससे तो आप कभी गलत जा ही नहीं सकते हो. तो आई थिंक वो मुझे एक बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने बहुत ही नेचुरल रखने की, ऑल्सो नेचुरल. अमित ने जितना नेचुरल हो सके, बहुत ही लाइट मेकअप, वेरी लेस, बालों में भी ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बहुत नेचुरल रख के उसने शूट किया था. आई लाइक द लाइटिंग जो अमित ने एक पीछे से एक सिर्फ हमने एक लाइट यूज़ करी, और उन्होंने बहुत अमेजिंग सेटअप बनाया था. तो आई बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक चीज़ नहीं बता सकती. एक्चुअली हम बहुत सीरियस हो गए थे, हम लोग रोज़ रोज़ बस रोते ही रहते थे सेट पे जाके. तो हमें बहुत मज़ा आया जब नेक्स्ट स्क्रीन प्लेस पढ़ने के लिए मिले शादी के, कि थोड़ा अभी मस्ती भी हो रही है, थोड़ा हंसी मजाक भी हो रहा है. तो मज़ा आया वो करने में. और अब हम एक्चुअली बलविंदर और लक्ष्मी की शादी अब नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि शायद ऋषि लक्ष्मी को अपने साथ घर वापस ले जाना चाहता है. तो वही है कि लक्ष्मी जाएगी या नहीं जाएगी, तो ये है नेक्स्ट. कैलेंडर लॉन्च इज अ ग्रेट वे टू शो केस योर फैशन, एंड ऑल्सो द एक्टर्स गेट टू ड्रेस अप इन अ यूनिक वे, एंड ऑल्सो शो केस दैट ओके वी कैन ऑल्सो लुक दिस वे. सो कैलेंडर इज बेसिकली शो केसिंग योर टैलेंट, योर ब्यूटी, योर डिजाइन एंड एवरीथिंग. एंड अमित खन्ना इज अ ग्रेट फ्रेंड, आई हैव डन अ लॉट ऑफ फोटोशूट्स विद हिम, आई हैव वर्क्ड विद हिम ऑन अ वेब सीरीज, सो आई हैड टू कम ओवर हियर एंड चेक इट आउट. नहीं, मैं तो अमित जी को सपोर्ट करने आई हूँ, मेरे दोस्त हैं, उनका कैलेंडर है बस, आई एम जस्ट पार्ट ऑफ हिज हैप्पीनेस. आई थिंक 90s इज बेसिकली रिमाइंडरिंग मी ऑफ आर टाइम. हम लोग सब 87 बॉर्न किड्स हैं, आई मीन मोस्ट ऑफ अस हूएवर आर हियर,
एंड वी आर गोना रिलीश दी लुक दी आर्ट. वेल लास्ट ईयर पूरा आप सब लोगों को पता है रक्षाबंधन और पिशाचनी किया है मैंने. एक साल रगड़ाने के बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, एक दो महीने का, जस्ट वांट रिलैक्स. अभी अभी मैं एक फैमिली ट्रिप से वापस आई हूँ एंड नाउ आई एम रीवायरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम ट्राइंग टू रीसेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन दिस ईयर, सो जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. काफ़ी सिंपल लुक है पर बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा. अगर एक वर्ड में मुझे कुछ अगर डिफाइन करना उस लुक को तो वो आई थिंक प्योरिटी है उस पूरे पिक्चर में. आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो या आई एम एक्साइटेड. रेट्रो लुक यार, रेट्रो तो मतलब सिर्फ 80s 90s ही नहीं, आई थिंक 60s 70s सारी एक्ट्रेसेस सभी लोग बहुत ही कमाल थे. और आई डोंट थिंक मैं कोई एक चूज कर पाऊँगी बिकॉज सभी इतनी खूबसूरत थी और सभी जिस तरीके से अपने लुक्स को कैरी करती थी विच लाइक इट वॉज कमेंडेबल. और सो या आई मीन हर ही चीज़ यार रेट्रो की तो हर बात ही खास है. बहुत खुश हूँ यार, न्यू एडिशन है. ऑब्वियसली मेरी फैमिली पूरी यहाँ पे है, हम सभी साथ में थे जब मैंने अपनी नई कार ली, तो इट वॉज सरप्राइज फॉर माई फादर एंड उनकी खुशी देख के ना जल्दी मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है फेब में. डेट भी अभी बता दूंगी तो फिर सही नहीं रहेगा, बट फेब में. सो गाइस स्टे ट्यून्ड. I think we are very excited for the calendar launch. Aniri is a part of the calendar, yes. So we are here to support her and Tanmay. Yes. So I think it's a great thing, yeah, that things are back to normal and calendar launches are happening in this, correct, at this scale. Correct. Super excited. Dekhna chahta hu Amit ne is baar kya kiya hai. What exactly is? I think he's a fantastic photographer. He's a fantastic photographer, and I think he's done some 500 photos, jisme se he's removed a few. Yes. Few. Yeah. So very excited to check kya pick hua hai. I think what is the beautiful part about retro is that aapko zyada deck up ye kuch nahi hota, you can just be yourself, you know. Yeah, retro, yeah, thing was always about just being yourself, yeah, and representing who you are. Also I feel retro ka jo pura overall feel hi hai wo itna authentic hai ki you know wo automatically beauty uske enhance ho jati hai. So basically this is about Spandan, Amit Khanna's calendar that's supposed to come up, and I'm one of the guys who's supposed to be featured, so let's see how it comes out. Well, we're loosely basing it on Mr. Satyajit Ray, so the idea was to show a filmmaker and I hope we get it right. I think the glasses and just that get up of getting into somebody who's, you know, from the 50s or 60s, that era. There's something that's coming up next month, hopefully, and let's see. It's a web show. Let's see how that does.